रविवार को मध्य प्रदेश में नौ तपे का दूसरा दिन रहा और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार रहा। इनमें भोपाल, दतिया, ग्वालियर, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, मुरैना, शाहजहांपुर, टीकमगढ़, रतलाम, नर्मदापुरम, धार, शिवपुरी, खरगोन, दमोह, सतना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, रायसेन, खंडवा, सागर, गुना, नौगांव, भिंड, रीवा, उमरिया, सीधी, खजुराहो और मंडला शामिल है। रविवार को राजगढ़ का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में जो है सर्वाधिक अधिकतम तापमान जो है 45 डिग्री के ऊपर चार जगहों पर दर्ज किया गया। खरगोन, खंडवा, रतलाम, राजगढ़ तथा अन्य जिलों में जो है वो 40 डिग्री के ऊपर ही तापमान रहा। बहुत से जिलों में जो है 44 के आसपास तापमान दर्ज किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो सैटेलाइट पिक्चर में जो है एक ऊपर में पश्चिम विक्षोभ अफगानिस्तान की तरफ एक बना हुआ है एज ए ट्रफ, और उसके साथ ही जो है नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तथा साउथ ईस्ट राजस्थान पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, पर इनका कुछ मिला जुला असर की वजह से कहीं कहीं जो है आंशिक बादल आपको दिख रहे हैं। और इसके साथ ही जो डिप्रेशन यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में है उसके वजह से व्हाइट कलर की जो यहाँ पे कुछ पैचेस दिख रहे हैं जो क्लाउड के, जिससे कि जो है आंशिक बादल जो है आपको दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा तापमान वाले जिले हैं राजधानी भोपाल के साथ इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत 26 जिले में तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। हीट वेव कंडीशंस जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जितने भी मीन्स वेस्ट एमपी के जितने 6 जो संभाग है वहाँ पे जो है हीट वेव की कंडीशंस रहेगी। उसके साथ ही जो ईस्ट एमपी के जो है रेवा, सागर और शहडोल, जबलपुर शहडोल संभाग के कुछ जिलों में जो है हीट वेव की संभावना आने वाले 24 घंटे में रहने वाली है। तथा यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द मीन्स ग्वालियर चंबल संभाग में आप देख सकते हैं रेडिश कलर का, ब्लैकिश रेड कलर का, जहाँ जिसकी वजह से जो है तापमान जो है 44 से 46 डिग्री जाने की संभावना है। उसके साथ ही जो मालवा भाग में जो देख सकते हैं आप जो ब्लैकिश रेड कलर का, वहाँ पे भी है 44 से 46 डिग्री के तापमान जाने की संभावना है आने वाले 24 घंटे के बाद। फिर ये जैसे आप यहाँ पे हमने मैप में इसको दर्शाया गया है कि जैसे कि यहाँ पे जो कंप्लीट जो रेड कलर का है वो कंप्लीट वार्निंग दी हुई है मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए, जिसमें कि 44 से 46 डिग्री के आसपास तापमान जाने की संभावना, ये 26 तारीख का पूर्वानुमान वार्निंग है चेतावनी का। उसके साथ ही जो है 27 तारीख को जो है आप क्लियर मीन्स यहाँ पे जो वार्निंग का जो एरिया है यानी तापमान जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश जो है कवर हो जाएगा, और उसकी वजह से जो है रेड कलर का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो मालवा एरिया में जो है वहाँ पे जो है 44-46 डिग्री तापमान जाने की संभावना है, और ऑरेंज कलर में जो है वो भी 45 डिग्री के करीब तापमान जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश के अनुसार नीमच, मंदसौर, खंडवा, खरगोन और महेश्वर में मध्यम धूल बिजली के साथ गरज और मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही रतलाम, गांधी सागर अभ्यारण, इंदौर, ओमकारेश्वर, दक्षिण हरदा में हल्की धूल बिजली के साथ आंधी आने की संभावना है। शाम के समय महाकालेश्वर, बड़वानी, धार, मांडू, बुराहनपुर, सिवनी और पश्चिम बालाघाट जिले में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। येलो अलर्ट भी दिया हुआ है जहाँ पे भी 45 डिग्री जाने की संभावना है। तथा ये 27 तारीख के बाद फिर आप 28 तारीख को देख सकते हैं यहाँ पे भी साउथ मध्य प्रदेश के कुछ जिले जो है यहाँ पे जो तापमान की जो चेतावनी दी है वो 45 डिग्री के नीचे रहने की संभावना है। यहाँ पे भी गर्मी की वजह का गर्मी तो प्रिवेल करेगी, लेकिन जो येलो कलर और ऑरेंज कलर है वहाँ पे 45 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा, इसकी वजह से यहाँ पे इसको चेतावनी में इंक्लूड किया गया है। ऐसी तापमान जो है 29 तारीख को भी जो है पूरा नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एमपी और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ एमपी जो है वहाँ पे 45 डिग्री तापमान रहेगा। इसलिए सभी जो है गर्मी का जो मीन्स अपना
प्रिकॉशंस जो है सभी आम आदमी ने लेने चाहिए, डूज एंड डोंट्स जो फॉलो करने चाहिए, जो कि हमारी वेबसाइट पे दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों, इस भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए खुद को और अपने परिवार का ख्याल रखें, खूब पानी पिएं, धूप से बचें और घर के अंदर रहें। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।